हेलो दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं खूबसूरत देश की सैर पर। ये देश कभी भारत का हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। भारत के पड़ोस में स्थित ये खूबसूरत देश आपको बेहतरीन तरीके से वेलकम करता है। हालांकि ये एक मुस्लिम देश है, लेकिन फिर भी इसमें आपको भारत की झलक देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से यहाँ समुद्र तट हैं। अगर आप बीचेस से प्यार करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर नदियों का एक जाल है, एक दो नहीं पूरी 700 नदियाँ आपको यहाँ मिलेंगी। दोस्तों, आबादी के मामले में ये देश दुनिया के 8वें नंबर पर आता है। दिन पर दिन इसकी आबादी भारत की तरह बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इस्लामिक देश होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन वैलिड है। इसके कई कारण हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ नियम और कानून भी लागू होते हैं। अगर एक आम महिला से आप हाथ मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। और हाँ, कहा जाता है कि धीरे धीरे ये देश खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताएंगे। इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं जो आज आपको पता चलेंगी आपके अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और चल दीजिए बांग्लादेश की यात्रा पर। दोस्तों, दक्षिण एशियाई देश 17 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर है। नाम है बांग्लादेश, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। हालांकि ये सबसे बड़े देशों में से एक नहीं है। 56,990 वर्ग मील में फैला ये देश अलास्का के आकार का लगभग 10वां हिस्सा है, जो इसे दुनिया का 92वां सबसे बड़ा देश बनाता है। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन पहले ये भारत की ही तरह उसका अभिन्न अंग था। 1947 में भारत की आजादी के बाद ही बांग्लादेश कटकर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और 1971 में बंगला मुक्ति संग्राम के बाद भारत के सैन्य प्रयोग द्वारा एक अलग देश बन गया। बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा है। बांग्लादेश में 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है और यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रहता। ये यहाँ का नियम है, कानून है, संविधान है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। दोस्तों, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है ये। बांग्लादेश भले ही गरीब देश हो, पर ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों पर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश का इतिहास भारत से बहुत ज्यादा मजबूती से जुड़ा है। अरे वही भारत का हिस्सा जो रहा है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का शासन बांग्लादेश तक में रहा। यहाँ प्राचीन भारतीय साम्राज्य जैसे गुप्त, मगध और मुगलों का शासन रहा। प्राचीन समय में ढाका पूरे दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली केंद्र रहा। इसी के साथ बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है। नियम कानून के मामले में भी ये काफी सुर्खियों में रहा। दोस्तों, कुछ खास बातें भी हैं इस देश के बारे में। बांग्लादेश में दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में से एक तट है। समुद्र तट शायद पहली चीज ना हो जो दिमाग में आती हो, लेकिन बांग्लादेश वास्तव में दुनिया का तीसरा सबसे लंबा समुद्र तट है। कॉक्स बाजार बीच 75 मील का निर्बाध रेतीला समुद्र तट है। केवल ब्राजील में प्रिया डू कैसिनो और ऑस्ट्रेलिया में 980 माइल बीच ही कॉक्स बाजार से लंबे हैं। अदरवाइज इससे लंबा मैंने तो कभी नहीं देखा। समुद्र तट का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन हीराम कॉक्स के नाम पर रखा गया, जिन्होंने 1869 में रेतीले क्षेत्र की स्थापना की और इसे खूबसूरत समुद्र तट के रूप में विकसित करना पड़ा। आप जितना दक्षिण की ओर जाएंगे, भीड़ उतनी ही ज्यादा कम होती जाएगी। इसलिए यदि आप एक बेहतरीन स्वर्ग को निहारना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ध्यान रखें दोस्तों, ये एक मुस्लिम देश है, इसलिए पुरुषों और महिलाओं के लिए कुछ पोशाक की शालीनता जरूरी है। इसी के साथ अगर आप स्विमिंग करते हैं तो उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, खासकर कॉस्ट्यूम में। दोस्तों, बांग्लादेश वास्तव में नदियों का देश भी है, जो 700 से ज्यादा नदियों से घिरा हुआ है। वास्तव में एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां बांग्लादेश में ही हैं, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। ये एक हरे भरे परिदृश्य को बनाती हैं, जिसमें वन्य जीवों की प्रभावशाली आपको वैरायटी मिलेगी। नाव से यात्रा करना इस देश में कुछ खास है। बांग्लादेश में सबसे प्रतिष्ठित अनुभव में से एक है द रॉकेट पर रात भर की नाव यात्रा, जो एक पैंडल बोट फेरी है। जी हाँ, इसे कहते हैं पैंडल बोट फेरी। काफी लंबी समय से ये ढाका और खुलना के बीच चलती है। दोस्तों, 2019 में बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने
प्रदूषण के अनियंत्रित होने के बाद अपनी हर नदी को जीवन का कानूनी अधिकार दे दिया। यानी कि यहाँ के संविधान ने, यहाँ के कानून ने माना कि नदियाँ जीवित हैं और अब नदी को नुकसान पहुँचाने वाले को सजा मिलेगी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण आयोग द्वारा अदालत में उसे ले जाया जा सकता है। उन पर वैसे ही मुकदमा चलाया जाएगा जैसे किसी जीवित प्राणी को नुकसान पहुंचाने पर चलाया जाता है। इन्होंने अपनी नदियों को इस तरह की प्राथमिकता दी है, यानी कि ये लोग अपनी प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, दिस इज रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे कभी कभी भारतीय बाघ के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है ये। पूर्व एशिया संस्कृति में बाघ राजसीपन, निडरता और क्रोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट को बंगाल टाइगर उपनाम दिया गया और रेजिमेंट का लोगो भी बाघ का चेहरा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगो में भी बंगाल टाइगर है। और हाँ, हमारे इंडिया में भी तो एक खिलाड़ी का नाम बंगाल टाइगर है, जरा याद करके कमेंट में बताइए। इसी के साथ दोस्तों, आज बांग्लादेश में लगभग 300-500 बाघ हैं। अवैध शिकार एक बहुत बड़ा खतरा रहा इन पर, ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं। हाल ही में किए गए शोध में दावा किया गया कि सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर 50 साल में विलुप्त हो सकते हैं, इसलिए इन्हें बचाने की जरूरत है, इनका ख्याल रखने की जरूरत है। इसीलिए गवर्नमेंट ने कड़े नियम बनाए हैं। खेलों के मामले में बांग्लादेश आगे रहा, क्रिकेट यहाँ का भी फेमस गेम है। इसी के साथ और भी बहुत सारी गेम है, जैसे कि कबड्डी, जो यहाँ के लोग खेलना पसंद करते हैं। इसी के साथ एक और बहुत खास बात है बांग्लादेश और इंडिया में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को एक से अधिक देशों यानी कि भारत और बांग्लादेश में राष्ट्रगान का दर्जा मिला। जी हाँ, हमारा भी राष्ट्रगान इन्होंने ही लिखा। बांग्लादेश का सबसे पुराना शहर महास्थानगढ़ यहीं पर है। सबसे पहले संगठित रूप से इसी शहर में लोग बसे। बांग्लादेश के उत्तरी पूर्वी भाग स्थित सियालहट भी काफी पुराना शहर है, यहाँ तमाम धरोहरें हैं। एक बात और है जो यहाँ आकर आपको ध्यान रखनी है, पुरुषों को यहाँ की महिलाओं से हाथ मिलाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि इस हरकत से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी हाँ, आप खुल्लम खुल्ला किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते और ना ही किसी से हाथ मिला सकते हैं, यहाँ ऐसा करना सख्त मना है। इसी के साथ बांग्लादेश में प्रोस्टिट्यूशन भी वैलिड है। जी हाँ, हम जानते हैं ये इस्लामिक देश है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में महिलाएं देह व्यापार का हिस्सा हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा वैश्यालय भी आपको बांग्लादेश में ही मिलेगा, जहाँ हजारों लड़कियां और महिलाएं काम करती हैं। हालांकि संविधान में इस बात का जिक्र है कि प्रोस्टिट्यूशन को रोका जाए और गवर्नमेंट लगातार बांग्लादेश को प्रोस्टिट्यूशन से दूर करने में लगी हुई है। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि बांग्लादेश घूमने आने वाले लोग 60% प्रोस्टिट्यूशन की तलाश में ही आते हैं, जो वो अपने देश में नहीं कर पाते वो बांग्लादेश में करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेश में खूबसूरती नहीं है। बांग्लादेश बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं चलिए आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं सिलहट। पूर्वोत्तर बंगाल में सुरमा नदी के तट पर बसा खूबसूरत शहर सिलहट। ये सिलहट मौलवी बाजार, हबीगंज और सुनामगंज जिलों के लिए जिला और संभागीय मुख्यालय के रूप में काम करता है। खूबसूरत शहर में एक स्वप्निल परी कथा की तरह चीजें दिखती हैं। पड़ोसी पर्वत श्रृंखला, लकड़ी के घर और बहुत सारी कल्पनाएं। आपको लगता है जैसे कैनवास पर किसी ने चित्र को उकेर दिया हो और आप यहाँ बैठे हों। शांत पेड़ों से घिरे पार्क और पत्थरों से बने रास्ते आपको सीरियसली एक्साइटेड करेंगे। दोस्तों, दिस इज कॉक्स बाजार। अगर आप बांग्लादेश के सबसे मशहूर पर्यटन स्थली की तलाश में हैं, तो यहाँ आ जाइए। जी हाँ, कॉक्स बाजार, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे समुद्र तट के बगल में स्थित है। इसमें दुनिया का सबसे लंबा निर्बाध समुद्री तट है, जो 120 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है और इसे वर्ल्ड फेमस बनाता है। कॉक्स बाजार का मेन अट्रैक्शन पॉइंट विशाल बौद्ध मठ है, जिसे एगमेड़ा खयांग के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुद्ध की कई विशाल कांस्य मूर्तियां हैं। तो आप यहां जरूर आइएगा। दोस्तों, दिस इज ओल्ड ढाका। शहर के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित ढाका के इलाके को पुराना ढाका कहा जाता है। शहर की वास्तुकला और इसके निवासी, जो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे रहते थे, पुराने ढाका के समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इतिहास के प्रमाण हैं। अगर आप इस इलाके में हैं तो आपको तारा मस्जिद, बहादुर शाह पार्क
और रोज गार्डन जरूर जाना चाहिए। हर जगह का एक दिलचस्प इतिहास है जिसे आपको समझना चाहिए और देखना भी चाहिए। दोस्तों, ये है सोनार गांव। सोनार गांव 1800 के दशक के अंत में एक व्यस्त नदी के बंदरगाह के रूप में जाना जाने लगा। बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, स्थल हैं और पर्यटक प्रेमी यहाँ जरूर आते हैं। इसके अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए हैं। दोस्तों, दिस इज सेंट मार्टिन द्वीप। सेंट मार्टिन द्वीप बांग्लादेश का एकमात्र मूगा द्वीप है। इस द्वीप को बंगाली में नारिकेल जिंजिरा कहा जाता है। इसका मतलब है नारियल द्वीप, क्योंकि यहाँ पर है नारियल के बहुत सारे पेड़। कॉक्स बाजार से 9 किलोमीटर दूर है और यहाँ आ सकता है आपको बहुत मजा। दोस्तों, ये है लाला खाल। लाला खाल एक चौड़ी नहर है जो सिलहट जिले के चेतियापुर में स्थित है। ये स्थान का मुख्य आकर्षण का केंद्र नीली हरी झील है, जो अपने आप में अनोखी है। लाला खाल में करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। आप यहाँ पर नाव की सवारी कर सकते हैं, हरी भरी पहाड़ियों और नहर के पानी का एक बेहतरीन नजारा देख सकते हैं। और हाँ, यहाँ का सनसेट जरूर देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, चटगांव, डोंट मिस इट। 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग ढाका जैसे प्रमुख शहरों की तुलना में कुछ भी नहीं है जो चटगांव में रहते हैं। इसके बावजूद इस हलचल भरे बांग्लादेश शहर की खोज करना, अपने आप में एक्सप्लोर करना एक्साइटेड है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी एक्साइटेड चीजें हैं जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हैं। फाय झील इसमें शामिल है, घाटियाँ शामिल हैं। यदि आप कुछ पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो ये जगह बेस्ट है। तो दोस्तों, जब भी बांग्लादेश आए तो इन जगहों को जरूर एक्सप्लोर करें। सीरियसली, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड डोंट मिस इट। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।